हॅलो फ्रेंड्स, आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे इंडियन ब्रेन टाइम चॅनलमध्ये। तर आपल्या सर्वांना अशाच ब्रिज कोरच्या व्हिडिओ लागत असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा आणि ही व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक जरूर करा। तर आज आपण इयत्ता 10वी विषय हिंदी दिवस 35 ह्या दिवसाची आपण सरळ उत्तरं ह्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। तर चला उत्तरं पाहून घेऊया। तो आज हमारा जो पॉइंट आहे वो आहे पत्रलेखन। तो पहले आपको एक पत्र लिखना है, वो है आवाज़ या ध्वनि प्रदूषण की रोकना रोकथाम के संबंध में पत्र लिखिए। तो आपको पहले क्या करना है, आपका जो एड्रेस है वो लिख के लेना है। पहले आपका दिनांक मतलब आपका डे वो लिख के लेना है, जैसे मैंने लिखा है। उसके बाद में आपको आपका जो जिसको भेजना है उसका एड्रेस लिखना है और बाद में विषय लिखना है। तो उसके बाद में आपको महोदय ऐसा लिखना है और आपका जो आप क्या कहना चाहते हो वो लिखना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है माननीय महोदय, आपको पत्र लिखने का यह कारण है कि हमारे मोहल्ले में ध्वनि प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। हमारे यहाँ ज़्यादातर बूढ़े लोग रहते हैं, उनको ध्वनि प्रदूषण से बहुत तकलीफ होती है और छात्रों के पढ़ाई में भी बाधा आती है। उनकी परीक्षा जल्दी शुरू होने वाली है और वे अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। हमने साउंड वाले से बहुत बार बात की, उसको अपनी परेशानी बताई, लेकिन वह मान नहीं रहा। तो आपके पास दरख्वास्त है कि उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। और उसके बाद आपको अपना नाम, आप उनके क्या लगते हैं वो सब लिखना है और आपका नाम लिखना है। ये जो पत्र है ये पहले हम लिखते थे और इसके बाद हम देखेंगे जो पत्र का दूसरा प्रकार है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा जो दूसरा विषय है ग्रंथालय के लिए संदर्भ में मांग करते हुए पूरक भंडार को पत्र लिखिए। तो मैंने जैसे पहले बताया आपको पहली डेट लिखनी है मतलब दिनांक लिखनी है। तो मैंने यहाँ पर लिखी है 14 अगस्त 2021। तो उसके बाद में आपको जिनको ये पत्र भेजना है उनका पता लिखना होगा। उसके बाद में यहाँ पर मैंने लिखा है, तो ये जो पत्र है हम इस टॉपिक में जो पत्र देखने वाले हैं वो है व्यावसायिक और उसे कार्यालय पत्र भी कहते हैं। तो उसके बाद में आपको उस पत्र का विषय लिखना है, जैसे मैंने लिखा है विद्यालय के ग्रंथालय के लिए पुस्तक की मांगनी के हेतु पत्र। तो उसके बाद आपको जैसे मैंने पहले पत्र में बताया महोदय लिखना है। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि मैं विवेक कोविंद इस नगर का एक पाठशाला का भंडार अध्यक्ष हूँ। मुझे 9 वर्ष के हेतु पाठशाला के विद्यार्थियों के लिए ग्रंथालय स्थापन करना चाहता हूँ। तो मुझे निम्नलिखित पुस्तक के चाहिए। तो नीचे आपको जो याद मतलब लिस्ट दी है इसलिए निम्नलिखित लिखा है मैंने। तो यहाँ पर जो आपको जो पुस्तक पसंद है उसका नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा है आपको कितने पुस्तक चाहिए, प्रतियाँ कितने चाहिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद में यहाँ पर आपको जैसे लिखना है आप कौन लगते हैं और आपका नाम लिखना है। हमारा तीसरा विषय है खरीदा हुआ नया स्मार्ट टीवी खराब चित्र और आवाज़ की शिकायत करते हुए दुकानदार को शिकायत पत्र लिखिए। तो हमको शिकायत पत्र लिखना है अभी। तो उसमें आपको जैसे पहले लिखा था उनका एड्रेस उनका पता लिखना है, पर इस पत्र में थोड़ी अलग बात है। यह जो पत्र है वो ईमेल पत्र है, यह आपको जो बोर्ड की एग्ज़ाम है उसमें आ सकता है। जो पहला पत्र है वो अभी बंद हो चुका है और ये जो पत्र है ये अभी चलता है। तो ये
ईमेल पत्र है तो आपको कैसे लिखना है, आपको पहले दिनांक डालना है ऊपर, उसके बाद में उनका ईमेल लिखना है और उसके बाद में उनका पता, और उसके बाद विषय लिखना है पत्र का जैसे पहले पत्र में होता था, और उसके बाद में महोदय आपको क्या कहना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया कहा है, मैंने 4 दिन पहले आपकी दुकान से एक स्मार्ट टीवी खरीदा है, लेकिन उसमें चित्र बहुत ख़राब दिखाई देते हैं और आवाज़ भी ठीक से नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि यह टीवी ही खराब है। स्मार्ट टीवी देखने का सारा मज़ा किरकिरा हो गया है। तो आप जल्दी से जल्दी दूसरा स्मार्ट टीवी देने की कृपा करें, और उसके बाद में आपका जो नाम है वो लिखिए। आपको जो नाम लिखने के बाद आपका एड्रेस लिखिए, और उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस लिखिए, और उसके बाद आपको फ़ोन नंबर लिखना है तो लिख सकते हैं, या फिर नहीं लिखना है तो नहीं लिख सकते, आपकी मर्ज़ी। पर ईमेल ज़रूर लिखना, क्योंकि ये जो पत्र है वो ईमेल पत्र है। तो यहाँ पर हमारे जो सभी क्वेश्चन है वो पूरे हो चुके हैं। तो पुढील व्हिडिओ चॅनलवर लवकरात लवकर येईल। ही व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक जरूर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा, आणि मला इंस्टाग्रामवर फॉलो करायला विसरू नका। तर थांबतो इथेच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।